प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में चतुर्थ पाठा सुभाषतान के शेष श्लोकों का अध्ययन करेंगे। देखिए अगला श्लोक, सत्याधारस्त पस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा अंधकारे प्रवेष्टव्य दीपो यत्नेन वार्यताम। मीनिंग देख लीजिए, सत्याधारा माने सत्य ही जिसका आधार है, वर्ती माने बत्ती, सिखा माने लव, प्रवेष्टव्य माने प्रवेश करते समय, वार्यताम माने जलाना चाहिए। देखिए, सत्याधारस्त पस्तैलम दयावर्ती क्षमा सिखा अंधकारे प्रवेष्टव्य दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य ही जिसका आधार है, सत्य ही जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, तप जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी लौ है, क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। अगला श्लोक देखें, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यमनित्याम नित्यमनिताम। देखिए मीनिंग इसमें देख लीजिए, त्यज माने छोड़ दो, संसर्ग माने संगत, भज माने अनुकरण करो, समागमम माने साथ, अहोरात्रम माने रात दिन, स्मर माने याद करो। देखिए, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यमनित्याम। देखिए, दुष्टों की संगति छोड़ दो, दुष्टों की संगति छोड़ दो, साधु संतों की संगति करके उनका अनुकरण करो, साधु संतों की संगति करके उनका अनुकरण करो, संसार की नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो, संसार की नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो, रात दिन पुण्य करो, रात दिन पुण्य करो। देखिए अगला श्लोक, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीणयंतः परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदि विकसंतः संति संतः क्रियंतः। इसमें मीनिंग देखें, काय माने शरीर में पुण्य, पीयूष पूर्ण माने पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, त्रिभुवनम माने तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी माने अनेक उपकारों के समूहों से, प्रीणयंता माने प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणुन माने दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को, पर्वतीकृत्य पर्वतों के समान बड़ा बनाकर, निज हृदय अपने हृदय में, विकसंता माने होता है खिलते हुए या प्रसन्न होते हुए, संता माने सज्जन, क्रियंता माने कितने। देखिए, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवन मुपकार श्रेणी भी प्रीण
यन्तः परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः संति संतः क्रियन्तः। देखिए, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण उपकारों के समूहों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, उपकारों के समूहों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं। परमाणु के समान, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान समझकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो तीन श्लोकों का अर्थ आज बताया गया है, उन्हें संदर्भ सहित उनका अर्थ लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।